गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं इतिन मोदी। ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। टुडे मैं चैप्टर नंबर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर पार्ट 2 के अंदर कंबाइंड मीन एंड वेटेड मीन के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। लास्ट में मैंने अरिथमेटिक मीन के बारे में डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और रिक्वायरमेंट आपको होमवर्क में दिया है, वो कर लेना आप। अब मैं आज आपको कंबाइंड मीन के बारे में बच्चों थोड़ा बहुत समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 की मैं बात कर रहा हूं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 जो है पेज नंबर 81। अब इसमें हमें बच्चों जो कहा गया है, द मेन डेली वेज पेड टू 75 स्किल वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री वाज 280, वेयर इज द मेन डेली वेज paid to 125 unskilled worker was 150, find the mean wage of all workers। देखो all workers मतलब combine करना है इन सब का। अब mean daily wage paid to 75 skilled workers, जो skilled workers है इसे मैं n1 कहता हूँ बच्चों, कि n1 is equal to skilled worker and वो है हमारे 75 और skilled worker का जो mean है that is called x bar 1, it is 280। Now, जो अनस्किल वर्कर्स है जिसे मैं कहूंगा n2 एंड इट इज गिवन 125 एंड मीन ऑफ दिस अनस्किल वर्कर्स आर 150, फाइंड मीन ऑफ ऑल वर्कर्स दैट मींस n इक्वल टोटल हो गया 200। सो इसका दैट इज द x बार c, दैट इज द कंबाइंड मीन। सिंबल ऑफ कंबाइंड मीन इज x बार c, वी हैव टू फाइंड इट आउट। नाउ हाउ टू फाइंड इट आउट, सो x बार c कंबाइंड मीन इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। नाउ x बार c इज n1, व्हाट n1 75 into x bar 1 280 plus n2 125 into x bar 2 150 divided by n1 75 plus n2 125, therefore x bar c combined mean is equal to first of all product of 75 into 280, 21,000 plus product of 125 into 150, 18,750, 75 plus 125, 200. Now sum of 21,000 plus 18,750 is equal to 39,750 divided by 200,
Answer is 198.75. This is the answer of X bar C combined. Now I'm going to teach you weighted mean. Weighted mean किस तरह से करते हैं? Weighted mean is symbolically denoted by x by w and it is sigma x w upon sigma w. Here x stands for observation and w is equal to weight carried, importance. So ये W का मतलब होता है weight, carried, importance. इसे कोई भी word दिया है, तो इसको W दिया है. और observation, percentage मतलब वो X है. जैसे कि exercise 3.2 का question क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ. अब इसके अंदर हमें जो दिया है फूड आइटम और वेट वेट यानी कि मैं इसे डब्ल्यू कहूंगा और जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है इसे मैं एक्स कहूंगा. यह राइस वीट टी शुगर एंड पल्स. नाउ वेट है 7, 10, 582, 582 एंड परसेंटेज है 134, 125. सो वेट को मैंने डब्ल्यू कहा, ऑब्जर्वेशन जो दिया मैंने उसे एक्स कहा. अब हमें क्या करना है? तो जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्स से डब्ल्यू डेट मीन्स 7 into 135 into 10 1 2 5 0 5 into 1 1 5 5 75 8 into 97 7 7 6 2 into 120 240 और टोटल है 3 7 7 9 और डब्ल्यू का टोटल है 30. इसे हम सिग्मा डब्ल्यू कहते हैं. ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करना है कि x बार डब्ल्यू दैट इज वेटेड मीन इज इक्वल टू सिग्मा x डब्ल्यू यानी 3779 डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू 32. सो हम करेंगे तो 118.09 आ रहा है आंसर. एक्स डब्ल्यू यानी कि वेटेड मीन का बच्चों आ रहा है हमारा आंसर. अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं
ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में अब आपको समझाओ। ना बच्चों, अब मैं आपको ज्योमेट्रिक मीन के बारे में समझाने जा रहा हूं। ज्योमेट्रिक मीन सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय जी इज इक्वल टू एन, एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अंडर रूट एन वन इंटू एक्स टू अप टू एक्स। जैसे कि इसके लिए मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इलस्ट्रेशन 14 पेज नंबर 83। इलस्ट्रेशन 14 के अंदर बच्चों में कहा गया है, द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इंक्रीज्ड बाय 15% 18, 13, 20% रिस्पेक्टिवली फॉर 4 इयर्स, फाइंड एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो अब सिंस द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन आर गिवन इन परसेंटेज, वी विल यूज द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द एवरेज वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिख रहे हैं टुडे का पार्ट 2 यहाँ पर खत्म होता है।